कूलर बीजर स्टोरी से आप क्या समझे? शायद ये कि कितने खराब लोग हैं, शायद ये कि कितने अश्लील लोग हैं, या फिर शायद ये कि ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा। लेकिन अब आपको कुछ और भी समझने की जरूरत है। क्या पता ये फिर किसी और के साथ या फिर आपके साथ ही हो जाए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपके साथ आपकी गुड लाइफ काउंसलर उज्ज्वला। सबसे पहला सवाल इसी से शुरू करते हैं कि क्या वो अश्लील हैं? उन्होंने वीडियो बनाया, ये अश्लील नहीं है। तो आप पूछोगे कि भाई ऐसे कौन करता है, ये तो गलत बात है, छी छी ऐसे घटिया वीडियोस कौन बनाता है। देखिए, हर किसी की अपनी फैंटेसी होती है, फैंटेसी की कोई लिमिट नहीं है। ये वियर्ड भी हो सकती है, तो ये किसी को अबनॉर्मल लग सकती है। एक वेब सीरीज को समझिएगा, याद कीजिएगा, नाम था माया, जिसे विक्रम भट्ट ने बनाया था, और इसका यही मॉरल था क्योंकि इसमें अतरंगी फैंटेसी पर ये बेस थी। मॉरल ये है कि कई बार कपल्स ऐसा करते हैं, और वो मैरिड कपल थे, उन्होंने अपने प्राइवेट मोमेंट्स को अपने लिए रिकॉर्ड किया था, ना कि दुनिया के लिए। अब आप पूछेंगे कि क्या वो सही थे? हाँ, क्योंकि उन्होंने अपने वीडियोस पब्लिक नहीं किए, बल्कि पब्लिक होने के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ ये बात आप सभी जानते हैं। और कौन अपने साथ ऐसा करवाना चाहेगा? मतलब कि जब आप कोई पिक्चर क्लिक करते हैं और आपकी कोई पिक्चर गलत आ जाए तो आप उसे पब्लिकली पोस्ट नहीं करते, तो सोचिए उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ, कितनी एम्बैरेसमेंट उन्हें मिली, मेंटली हेल्थ पर भी उनके कितना फर्क पड़ा। अब सवाल है कि कूलर पिज़्ज़ा स्टोरी में दोषी कौन है? लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन की वजह से इस वीडियो को लीक करने वाले लोग, उसे एंटरटेनमेंट समझकर देखने वाले लोग और उसे फॉरवर्ड करने वाले लोग। अब एक बात बताइए, ढूंढ ढूंढ कर उनका वीडियो देखने वाले लोग क्या सही लोग हैं? इस वीडियो को देखकर उसे फॉरवर्ड कर रहे, उन्हें कोस रहे लोग क्या सही बन गए? आपको पता है ये वही लोग हैं जिनकी दिमागी हालत ऐसी हो चुकी है कि वो सब जगह से सेक्सुअल कंटेंट ढूंढते हैं। और ये लोग आपके आसपास भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, जो किसी को भी सेक्स ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि सेक्स एजुकेशन का ना होना। सेक्स एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि बहुत बढ़िया सेक्स करना आपको आना चाहिए, आपकी अच्छा सेक्स कैसे करना है, बल्कि इन सब का मतलब ये है कि आपको ज़रूरी जानकारी होनी चाहिए। बल्कि सेक्स एजुकेशन इन्हीं इंसिडेंट से बचने के लिए ज़रूरी है। क्या पता कल कोई आपके साथ भी हो जाए, आपका फ़ोन और आप अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में ज़रूरी है कि ऐसी सिचुएशन ही पैदा ना हो, इसलिए सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेक्स एजुकेशन के बारे में खुलकर आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन कूलर पिज़्ज़ा स्टोरी के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए और हेल्दी अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड लाइफ टॉक्स।